गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी लोगों का दोस्तों यूनिक कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों चार्ल्स डिकिंस के हम लोग जो है 40 क्वेश्चन लगभग पढ़ चुके हैं। आज उसके बाद हम आपको देते हैं 40 क्वेश्चन के बाद, जिसमें लिखा है दोस्तों कि विच ऑफ हिज ओन बुक्स ऑफ सॉरी दोस्तों विच ऑफ हिज ओन बुक्स डिड चार्ल्स डिकेंस कंसीडर टू बी हिज बेस्ट वर्क। तो दोस्तों बताया जा रहा है कि चार्ल्स डिकेंस क्या विचार करते थे कि उनकी कौन सी सबसे अच्छी बुक थी। तो दोस्तों उनकी सबसे अच्छी बुक जो है डेविड कॉपरफील्ड थी। ये इनकी ऑटोबायोग्राफिकल नाम वर्क भी रहा इनका। नेक्स्ट दोस्तों क्या है, चार्ल्स डिकेंस मैरिज वॉज नॉट वेरी सक्सेसफुल When Dickens was middle-aged, his name was linked with an actress, a girl 25 years younger than him. What was his her name? दोस्तों चार्ल्स डिकेंस की शादी सक्सेसफुल नहीं रही जब जो है डिकेंस की एज जो है आधी उम्र बने आधेड़ उम्र के हो गए, तब उनका एक लिंक एक एड्रेस से हुआ, एक एक्ट्रेस से हुआ जो लगभग जो है उनसे 25 साल छोटी थी। उसका क्या नाम था? तो दोस्तों उसका नाम था जो है इलेन जो है टर्नन, इलेन टर्नन दोस्तों यही जो है उसका नाम था। उस समय डिकेंस 45 ईयर्स के थे जबकि जो एक्ट्रेस थी ये इलेन जो है टर्नन वो 18 ईयर्स की थी। आगे चलते हैं दोस्तों, लिखा है जैसे रिचार्ड जो है कार्टस्टोन एंड एडा क्लेयर अपीयर इन। तो दोस्तों ये किसमें अपीयर है? ये ब्लीक हाउस में अपीयर है। विच नावल ऑफ डिकेंस इज सेटायर ऑन द एब्यूज ऑफ द ओल्ड कोर्ट ऑफ चांसरी। तो दोस्तों ये भी आपका किसमें है? ब्लीक हाउस में है। विच नावल ऑफ डिकेंस प्रेजेंट्स द मिस्ट्रीज ऑफ वर्कर्स इन द वेक ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंग्लैंड। दोस्तों ये हार्ड टाइम से लिया गया है। पिप अपीयर्स इन, ये किससे लिया गया है? ग्रेट एक्सपेक्टेशंस 1861। नेक्स्ट दोस्तों, ये पिप दोस्तों एक कैरेक्टर है। इन 1869 डिकेंस बिगेन टू राइट इट बट ही डाइड विदाउट कंप्लीटिंग इट बट इट्स कॉपीराइट वाज ऑलरेडी सोल्ड। फाइंड आउट द नावल। तो दोस्तों ये नावल था द मिस्ट्री ऑफ एडविन ड्रूड। एडविन ड्रूड ये भी दोस्तों जो है चार्ल्स डिकेंस साहब का ही है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हेन वाज चार्ल्स डिकेंस बॉर्न? तो दोस्तों 1812 में उनका जन्म हुआ था, 7 फरवरी 1812 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों? ये जो है लैंडपोर्ट, टेरिस लैंडपोर्ट इन जो है पोर्टिशा आइसलैंड में हुआ था। नेक्स्ट क्या दोस्तों क्वेश्चन है, चार्ल्स डिकेंस नावल डील लार्जली विथ। तो दोस्तों ये कॉन्टेम्प्रेरी सोशल कंडीशन, माने इनकी जो है डील किससे हुई थी? कॉन्टेम्प्रेरी जो है सोशल कंडीशन से। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन है कि विच मोमेंट ऑफ विक्टोरियन एज वाज इन्फ्लुएंस्ड द नावल्स ऑफ चार्ल्स डिकेंस। तो दोस्तों इसमें जो इसका आंसर सही है वो आपका पहला ही सही है, लिबरलिज्म। पहला ही आंसर दोस्तों आपका सही है, लिबरलिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग नावल्स डज द एक्शन टेक प्लेस इन पेरिस एंड लंदन। तो दोस्तों ये आपको मैंने बार बार बताया है कि ए टेल ऑफ टू सिटीज, लंदन और पेरिस की जब भी बात करेगा तो ये इनकी एक जो है नावल है, कौन सा? ए टेल ऑफ टू सिटीज, इसी से लिया गया है। हु इज़ द मोस्ट फ्यूरियस कैरेक्टर इन फैगिन्स डेन इन डिकेंस ओलिवर ट्विस्ट। तो ये कौन था दोस्तों? ये आपका एक जो है बिल जो है साइक्स, यही दोस्तों आपका है कैरेक्टर। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग नावेल्स ऑफ डिकेंस वाज लेफ्ट अनफिनिश्ड। तो दोस्तों यही एडविन ड्रूड, ये भी मैंने आपको कई बार बताया है कि इनकी ये अनफिनिश्ड था, माने इनकम्प्लीट वर्क रह गया था, द मिजरी ऑफ एडविन ड्रूड। नेक्स्ट है दोस्तों, फिलिप पिरी पे जो कैरेक्टर ऑफ चार्ल्स डिकेंस नावल।
तो दोस्तों ये भी मैंने बताया है कि फिलिपिरी ये आपका जो है किससे है, ग्रेट एक्सपेक्टेशन से लिया गया है। नेक्स्ट है दोस्तों, इन विच चार्ल्स डिकेंस नावेल वी कम एक्रास ए कैरेक्टर कॉल्ड मिसेस मैकाइवर। तो दोस्तों इसमें आपका कौन सा सही है, ये जो मिसेस मैकाइवर है एक कैरेक्टर, वो हमारा जो है किस में आता है, डेविड कॉपरफील्ड, जो इनकी ऑटोबायोग्राफिकल नावल रही है। नेक्स्ट है दोस्तों कि मिस हैविशम रिमेंड ए स्पिंस्टर थ्रू आउट हर लाइफ इन ग्रेट एक्सपेक्टेशन बिकॉज। तो दोस्तों इसमें ये है कि सी वॉज बिट्रेड बाई द ब्राइडग्रूम, माने उसे ब्राइडग्रूम के द्वारा क्या हुआ था, धोखा दे दिया गया था। इसमें दोस्तों यही है कि मिस हैविसम रिमेंड स्पिंटर जो है थ्रू आउट हर लाइफ, माने अपने पूरे जीवन में जो है ग्रेट एक्सपेक्टेशन में ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि सी वॉज बिट्रेड बाई द ब्राइडग्रूम, क्योंकि उन्हें जो है उनके दूल्हे द्वारा क्या किया गया था, धोखा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हु वॉज रिटेन द नावल पिकविक पेपर्स। तो दोस्तों ये चार्ल्स डिकेंस, ये नावल किसके द्वारा पिकविक पेपर्स लिखा गया, फर्स्ट नावल इनका रहा है पिकविक पेपर्स चार्ल्स डिकेंस का। चार्ल्स डिकेंस वाज ये दोस्तों क्या थे, एक ये दोस्तों एक नावलिस्ट थे, ये क्या थे दोस्तों, एक नावलिस्ट थे, सोशल क्रिटिक थे, जिनका जन्म 7 फरवरी 1812 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, डिकेंस वर्क्स है, डिकेंस का जो वर्क्स था दोस्तों वो क्या था, ह्यूमर एंड पैथोज, ये इनकी जो है क्या वर्क थी दोस्तों, ह्यूमर एंड पैथोज। नेक्स्ट है दोस्तों, चार्ल्स डिकेंस ब्लीक हाउस इज पॉइंटेडली क्रिटिकल ऑफ इंग्लैंड्स। तो दोस्तों ये क्या है, कोर्ट ऑफ चांसरी। विच नावल ऑफ चार्ल्स डिकेंस इज हाईली ऑटोबायोग्राफिकल। तो दोस्तों ये बार बार बताया गया है, डेविड कॉपरफील्ड इनकी ऑटोबायोग्राफिकल नावल रही है। नेक्स्ट है दोस्तों, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द डिकेंस नावल शो हिज प्रीक्यूबेशन विथ प्रॉब्लम्स। तो दोस्तों इसमें जो है सोशल जो है प्रॉब्लम्स थी, मैंने सामाजिक जो है का चीज़ों के लिए उन्होंने लिखा था। नेक्स्ट है दोस्तों, द नावल डेविड कॉपरफील्ड इंटरव्यूअर सोशल कंडीशंस पर्सनल जो है एक्सपीरियंसेस एटीट्यूड एंड इशूज प्रिवेंट इज अर्ली इंग्लैंड। तो दोस्तों इसका जो आंसर सही है वे विक्टोरियन। नेक्स्ट है दोस्तों, डेविड कॉपरफील्ड रिटेन बाय डिकेंस हैज ए पर्सनल नैरेटर। तो दोस्तों इसका आंसर है फर्स्ट पर्सन नैरेटर। नेक्स्ट है दोस्तों, बिफोर डाइंग जो है डोरा इन डेविड कॉपरफील्ड हैड टोल्ड दैट ओनली इन कुड ऑक्यूपाई डेविड शर्ट। तो दोस्तों इसमें कौन सा सही है, एग्निस यही सही है दोस्तों। दोस्तों आज के लिए इतना ही, और मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि आप लोग दोस्तों जो है अधिक से अधिक से देखें, शेयर करें और वीडियो को सब्सक्राइब करें। थैंक यू डियर माई फ्रेंड्स।